हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का कोर्स वन का वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए हैं। आज कोर्स टू जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। कोर्स वन का जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जिनको नोट्स चाहिए सभी पेपर का, कोर्स वन से लेकर कोर्स सेवन मेथड तक, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं 9576000401 पर। आपको कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 9576000401 पर। आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करना होगा। सभी कोर्स का मिल जाएगा, कोर्स वन चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से लेकर आपका जो मेथड होगा वहाँ तक मिल जाएगा, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स टू का लिखा हुआ है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 सेशन 23-25 कोर्स टू कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। पेपर का नाम हो गया आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन कोर्स टू। देखिए, तीन सेक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा, 80 नंबर का पेपर होता है, समझे। 20 नंबर आपके कॉलेज से प्रैक्टिकल में मिलेगा, असाइनमेंट जमा कीजिएगा तो 80 नंबर में आपका तीन सेक्शन में क्वेश्चन आता है, समझे। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, समझे। तो देखिए, सेक्शन ए जो है आपका दीर्घ उत्तरीय है। देखिए, जब दीर्घ उत्तरीय चार पूछा जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है। यदि आपका दीर्घ उत्तरीय पाँच लिखने के लिए बोलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आएगा, 10 नंबर का, एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए, समझ गए। यानी क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की विस्तारपूर्वक, यानी क्या क्या उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद क्या है, यानी जो प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद है दोनों को देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 1986 ईस्वी के नई शिक्षा नीति के सुझावों की विवेचना कीजिए, समझ के। चौथा क्वेश्चन है कि समानता कौमा न्याय तथा स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षकों को लिखिए, समझ गए। छठा क्वेश्चन है मुदालियर आयोग जो 1952-53 में आया था के मुख्य संततियों का वर्णन करें। सातवां क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके शाखाओं की चर्चा कीजिए। अब सेक्शन बी में हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका पाँच नंबर का क्वेश्चन रहता है, चार क्वेश्चन लिखना रहता है, समझे। यानी एक क्वेश्चन पाँच नंबर का, चार क्वेश्चन टच करना है, इसमें छः सात क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तीसरा है महिला शिक्षा की चुनौतियाँ। चौथा है वंचित समूह। पाँचवा है शिक्षा में आदर्शवाद। ये पाँच में से चार लिखना होगा। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, समझ गए। तो स्कूल, पुस्तकालय, धर्म और शिक्षण विधि। तो देखिए, धर्म जो होता है वो नियमित आपका शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्रणाली यानी प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके अंतर्गत किया जाता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। तो उच्च वर्ग के छात्रों को, पिछड़े वर्ग के छात्रों को, अनुसूचित वर्ग के छात्रों को, सभी के समान महत्व, बिल्कुल हम सभी को एक समान इक्वल मानेंगे, यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में किस स्कूल से संबंधित है। प्रकृतिवादी जो रूसो थे और नकारात्मक शिक्षा का अवधारणा दिए थे, यानी नेगेटिव एजुकेशन जो प्रकृतिवादी थे, यहाँ बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण की प्रयोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है। देखिए, व्यवहारवाद या इसी को हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रयोजनवाद होना चाहिए, व्यवहारवाद लिखा है तो प्रयोजनवाद, इसे प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है, समझ गया। आगे है निम्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटे, तो 45 घंटे न्यूनतम निर्धारित किया गया। दूसरा है भारतीय प्रणाली के अनुसार देखिए शिक्षा क्या है, जो सत्य की खोज को प्रोत्साहित करे वही शिक्षा है, यानी सत्य की खोज करने के लिए हमको अग्रसर करे वही शिक्षा है। तीसरा आगे क्वेश्चन है कि बच्चों के किस आयु वर्ग के शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम एक मौलिक अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष।
अगला शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए बच्चा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के देखिए 10+2 जो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर जो आपका नई शिक्षा नीति 1986 था उसी पर नीति या दोनों दे दिया है, या तो कोठारी कमीशन लिख सकते हैं या आप नई शिक्षा नीति 1986 भी लिख सकते हैं। समझ गए, ये खत्म हो गया। ऐसे कोर्स 3, 4, 5, 6 से मेट्रिक सबका डाल देंगे। थैंक यू।